मैं संजय कुमार मीणा, प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बार। आज वर्क फ्रॉम होम मैं आपको कुछ सी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स बताना चाहते हैं कि किस तरह से सी लैंग्वेज को अपन यूज लेते हैं और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं कि कोई भी अपना सी लैंग्वेज का ऐसा प्रोग्राम कि एक प्रोग्राम बनाकर उससे अलग अलग टाइप के लॉजिक डेवलप करके और अलग अलग टाइप के प्रोग्राम अपन बना सकते हैं। वो प्रोग्राम, वो मेथड आज अपन पढ़ते हैं कि जैसे कि एक कोई भी फॉर्मूला बेस पर प्रोग्राम अपन ने लिया और उस फॉर्मूला बेस पर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम से कितने प्रोग्राम हम बना सकते हैं, ये टिप्स आज पढ़ेंगे। उसके अलावा नए पैटर्न के अनुसार जो एग्जाम के अंदर किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसका भी अपन यहाँ पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि जैसे कि अपन को कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसमें अपन को फाइंड आउट करना है कि इन चार में से एक कौन सा सही है, तो इन चीज़ों का एनालिसिस भी अपन को यहाँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर करना है। ये सब्जेक्ट अपना 210 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और 208 इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर मैकेनिक माइक्रो प्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग का बेसिक क्या होता है। अपन सी प्रोग्रामिंग को पढ़ने से पहले अपन को किस तरह के अपने दिमाग में आइडिया आना चाहिए, किस तरह से अपन प्रोग्राम बनाते हैं, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ सिंबल्स या ग्रुप ऑफ टोकन्स, ये अपना प्रोग्राम होता है कि छोटे छोटे इंफॉर्मेशन का समूह एक प्रोग्राम कहलाता है। और एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम इज प्रोसेस, कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो प्रोसेस। अब अपन देखते हैं कि सी प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि अपन पढ़ते हैं, इसको कंप्यूटर समझ नहीं पाता। ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो कि मशीन इंग्लिश के अंदर लिखी जाती है मशीन लैंग्वेज, तो इसको क्या करते हैं कंप्यूटर समझ नहीं पाता। तो अपन क्या करते हैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम एडिटर के अंदर अपन बनाते हैं और उसको बना के फिर उसको कंपाइल करवाते हैं और कंपाइल करने के बाद में वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में उस प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी क्या है। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और वो प्रोग्राम एक ऑन पेपर के अंदर बना रहे हैं। तो ये एक मैंने छोटा सा ये दो तीन चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज, हाउ कैन मेक फॉर्मूला बेस्ड वेरियस प्रोग्राम इन सी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन सी प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अब क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम अपन लिख रहे हैं कि राइट ए सी प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर, कि हमारे को किस तरह से एक प्रोग्राम बनाना है कि दो नंबर को ऐड करना है। तो ये एक अपना फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम है कि दो नंबर को ऐड करना है और दो नंबर को ऐड करने के लिए अपन को तीन नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो नंबर ए प्लस बी एंड उसका जो सम आएगा वो मेमोरी के अंदर स्टोर किस वेरिएबल के अंदर होगा। तो एक वेरिएबल अपन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, वो बोलते हैं उसको बोलते हैं सी। अब क्या करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लिखने, फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्रामिंग बनाने से पहले अपन को एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर, आपको क्या करना है दो नंबर का एडिशन करना है। तो यहाँ पर दो नंबर का एडिशन करना है तो अपन को दो नंबर यूजर की तरफ से अपन इनपुट देंगे, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप अपनी क्या हुई, यूजर से उसको वैल्यू दी, तो फर्स्ट अपना तो अपन के पास दो वैल्यू नॉन है और उसके बाद में फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगने के बाद में उसकी जो अननोन वैल्यू है क्या करना है, एडिशन करना है। तो वो फॉर्मूला पे एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद में उसका आउटपुट आएगा। तो ये तीन स्टेप यहाँ पर हो गई कि अननोन वैल्यू, नॉन वैल्यू और फॉर्मूला। तो अपन को क्या करना है, तीन स्टेप में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नॉन वैल्यू लेंगे, नॉन वैल्यू यूजर देगा, उसके बाद में उसमें फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद में उसके अननोन वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो मैं ये छोटा सा प्रोग्राम, ये देखो पेपर के अंदर मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। अपने सबसे पहले हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर इसके बाद में कोई, इसका मतलब ये हैच जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है। इंक्लूड एसटीडीआईओ, एसटीडीआईओ का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच का मतलब हेडर फाइल। लाइब्रेरी के अंदर ये इनपुट और आउटपुट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी किसी की लाइब्रेरी के अंदर पड़े हैं, ये मेन फंक्शन है। इसके बाद में ये ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा सी प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके बाद में सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर इंटीजर ए बी सी, अपन को दो नंबर को ऐड करना है तो ए और बी। इंटीजर ये होता है डेटा टाइप, डेटा टाइप होता है अपने पास यहाँ पर डेटा टाइप तीन टाइप के होते हैं, इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर। इन सबकी साइज अलग अलग डिसाइड होती है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर की साइज कितनी बाइट की होती है, तो अपन कह सकते हैं कि इंटीजर की साइज 2 बाइट की होती है। तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि इंटीजर की साइज कितनी बाइट की होगी, तो ए 2 बाइट, बी 1 बाइट, सी 4 बाइट और डी इनमें से कोई नहीं, तो अपन को उसमें राइट निशान लगाना है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ये अपन से पूछ सकता है। उसके बाद में अपन यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल एक नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है कंप्यूटर के अंदर, ये एक मेमोरी ये मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पर इसका नाम हम जो मेमोरी लोकेशन है इसका नाम दे दिया हमने ए, और यहाँ पर क्या ए वैल्यू स्टोर होगी, मान लो ए की वैल्यू मैं देता हूँ 10, एक मैंने बी की वैल्यू ली 20 और मान लो सी की वैल्यू अपन लेते हैं तो इन दोनों का एडिशन अपन 30 आएगा। तो ये अपने पास 3 वेरिएबल और किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। इसके बाद में अपन ने यूजर से वैल्यू ली कि क्या नंबर अपन को प्रिंट करवाना है, इसके ना परसेंटेज डी एंड ए परसेंट है एम परसेंट है, ये परसेंटेज डी जो अपना किसको डिनोट कर रहा है, इंटीजर नंबर को डिनोट करता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज डी किसको डिनोट करता है, तो अपन उसमें टिक लगा सकते हैं इंटीजर को। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एम परसेंट किसको डिनोट करता है, एम परसेंट जो अपना वेरिएबल है उसके एड्रेस को डिनोट करता है एम परसेंट। यहाँ से अपन ने ए और बी वैल्यू दी, उसके बाद में अपन ने फॉर्मूला लगाया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, उसके बाद में इसको हमने क्या किया प्रिंट करवा दिया सम इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और इसका आउटपुट अपने पास यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट जो आएगा वो सम इक्वल्स टू 30 अपने पास, सम इक्वल्स टू 30 अपने पास आउटपुट आ जाएगा। गेट सी एच प्रोग्राम के आउटपुट को रोकने का काम करता है। अब क्या करना है कि इस तरह का जो ये अपन ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने तीन चीज़ें सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ढंग से पढ़ो। यहाँ पर मैंने लिख रखा है राइट ए सी प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू इंटीजर नंबर। तो सबसे पहले फॉर्मूला बेस में अपन को ये चीज़ सोचना चाहिए कि टू इंटीजर नंबर का ऐड करना है, तो अपने पास यहाँ पर तीन स्टेप होगी। एक जो फर्स्ट स्टेप होगी वो आएगी अपने पास नॉन नंबर, नॉन क्या है ए एंड बी। सेकेंड स्टेप आएगी अपना फॉर्मूला लगाना है, और थर्ड स्टेप है अननोन नंबर, अननोन नंबर अपन को सिर्फ प्रिंट करवाना है कि जैसे दो नंबर को ऐड करना है तो ए प्लस बी। तो ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला बेस प्रोग्राम आता है तो उसमें तीन ही प्रोसेस लगेगी, नॉन वैल्यू फॉर्मूला और अननोन। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है। इस लॉजिक को जैसे अपने क्वेश्चन आता है कि राइट एसी प्रोग्राम कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास यहाँ नॉन वैल्यू होगी सेंटीग्रेड, किस सेंटीग्रेड गिवन होगा, और फारेनहाइट अपने पास अननोन वैल्यू होगी। अपने पास फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं कि सी डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर भी अपन वही तीन स्टेप फॉलो करेंगे कि अपन यूजर से पहले सेंटीग्रेड की वैल्यू लेंगे, सेंटीग्रेड की वैल्यू लेने के बाद में उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद में उसमें अपन क्या करेंगे उसका आउटपुट अपन फारेनहाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अपने तीन स्टेप हुई, नॉन अननोन और फॉर्मूला। फॉर्मूला हमेशा नॉन और अननोन के बीच में लगता है, ये हमेशा ध्यान रखने योग्य चीज़ है। उसके बाद में जैसे कि एक क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा कि राइट ए सी प्रोग्राम फाइंड आउट द सिंपल इंटरेस्ट। अब इस ये भी फॉर्मूला बेस पे, यहाँ पर अपन को पता है कि अपने पास तीन चीज़ें अपने पास नॉन है, पी प्रिंसिपल अमाउंट, टी टाइम और रेट। अपने पास तीन नॉन वैल्यू है लेकिन अपने पास अपन को कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो अपने पास अननोन वैल्यू क्या हो गई सिंपल इंटरेस्ट। तो अपन क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करने के लिए अपन को फॉर्मूला पता है कि एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब अपन को पता है कि यहाँ पर तीन वैल्यू नॉन है और एक वैल्यू अननोन है, तो सबसे पहले अपन यूजर से वैल्यू लेंगे पी की, आर की और टी की,
उसके बाद में उसको यूजर से अपने स्कैन ऑफ करवा लिया, उसके बाद में फॉर्मूला लगाया और फिर जो अपने अननोन वैल्यू मतलब कैलकुलेट जो ओके आ रही है उसको अपन करें अननोन वैल्यू, वो उसको प्रिंट कराएंगे तो अपना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह से अपन कोई भी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या नाम से तुम्हारे को डिस्टेंस ज्ञात करनी है, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, चाल इंटू समय, भाई दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने लगाया, यहाँ पर अपने पास अननोन वैल्यू डी हो गई और नॉन वैल्यू अपने पास डिस्टेंस और क्या नाम से वो स्पीड एंड टाइम हो गया। तो ये चीज़ें दो आपके पास नॉन होगी, एक अननोन होगी। तो इस तरह से अपन चीज़ें यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाए कि किस तरह से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि क्या नाम से हु इज फादर ऑफ सी, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि सी का जनक कौन था। तो यहाँ पर अपन को सबको पता है कि सी का जनक डेनिस रिची था, तो डेनिस रिची पर अपन टिक लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं तुम्हारे को कहता हूँ कि क्या नाम से कि इंटीजर मेमोरी के अंदर कितनी साइज लेता है, तो इंटीजर मेमोरी के अंदर साइज लेता है वो 2 बाइट लेता है। ये अपन को याद रखने योग्य चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 2 बाइट का अपन को याद रखना है। वो कहता है कि कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, तो भी आप लिख सकते हो कि कैरेक्टर 1 बाइट उसके अंदर मेमोरी का लेता है। उसके बाद में जैसे तुम्हारे को कहे कि अपन को जैसे कंपेरिजन करना है 2 नंबर का ए एंड बी का अपन को कंपेरिजन करना है, तो अपन क्या करते हैं इसके अंदर इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। लेकिन वो पूछता है कि आपको 2 नंबर का कंपेरिजन करना है विदाउट इफ एल्स, तो आप कौन सा ऑपरेटर वहाँ पर यूज लोगे। तो ये ऑपरेटर जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है टर्नरी ऑपरेटर। तो वहाँ से कह सकते हैं कि विदाउट इफ एल्स के भी टर्नरी ऑपरेटर इस तरह का सिंबल होता है टर्नरी, इसके अंदर तीन ऑपरेटर का मिक्स होता है टर्नरी, तो इस तरह से अपन विदाउट इफ एल्स। फिर उसके बाद में कह सकते हैं कि क्या नाम से जैसे सी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है, तो वहाँ पर अपन कंफ्यूज रहते हैं कि यार सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लेवल लैंग्वेज है या क्या नाम से लो लेवल लैंग्वेज है। तो अपन को पता रखना है कि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। उसके अलावा अपन को आता है कि बेसिक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आ सकता है कि कौन सा सिंबल इसके अंदर से प्री प्रोसेसर डायरेक्टर का साइन है। तो अपन उसको अपन को अगर पढ़ेंगे अपन तो स्टार्टिंग सी के पहला ही जो स्टार्टिंग सिंबल होता है हेज वाला वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टर का। इस तरह से अपन छोटी छोटी चीज़ें अपन पढ़ सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन अपन बना सकते हैं घर पर बैठ के, ये चीज़ों को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप अपन नेट पर देख सकते हैं, उनको अपन सोल्व कर सकते हैं। छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को अपन ने इसके अंदर पेपर के अंदर बना के और उसमें से अपन ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्रोग्राम 5 लाइन के प्रोग्राम में से क्या मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, क्या मेरा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपके दिमाग में आया कि क्या नाम से एक फॉर्मूला बेस्ड प्रोग्राम सिंपल अपन ने a + b = a + b एक सिंपल प्रोग्राम बनाया, उसके बेस पे अपन इससे 50 प्रोग्राम 100 प्रोग्राम भी अपन इसके बेस पे अपन बना सकते हैं। बस आपको 3 स्टेप ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्मूला बेस पे प्रोग्राम दिया गया है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, या तो उसमें ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन होगा या आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक का कंसेप्ट होता है। तो फॉर्मूला बेस के प्रोग्राम पे आपको बस 3 चीज़ें, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद में उसमें देखो कि नॉन वैल्यू क्या है, अननोन वैल्यू क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको स्टूडेंट क्या कंफ्यूज में रहते हैं कि क्या नाम से नॉन वैल्यू जो होती है वो यूजर उसमें प्रिंट है फॉर स्कैन का यूज होता है, क्योंकि उसको प्रिंट करेगा फिर इस यूजर से वैल्यू लेगा, उसके बाद में फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला उसमें प्रोसेसिंग करेगा और उसको प्रोसेसिंग करके उसको फाइंड आउट करके उसका रिजल्ट आएगा, तो ये उसका लास्ट स्टेप होगा। इस तरह से अपन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को अपन पढ़ सकते हैं और सी के बेसिक कंसेप्ट को अपन क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, अपन इस तरह से सी लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं और आप भी छोटे छोटे ऐसे नेट से या छोटे छोटे पेपर के अंदर नोट्स बना के इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकते हैं और ये जो किस तरह से अपन को हमारी है एग्जाम के अंदर हेल्प कर सकते हैं ये नोट्स। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।